बिहार में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। राजधानी पटना में हर रोज हजारों शादियां हो रही हैं। इसी कड़ी में बीते शुक्रवार को पटना में लगभग 5000 शादियां हुई। शहरी क्षेत्र में हुई एक दिन में इतनी अधिक शादियों का सीधा असर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा। शाम होते ही शहर की लगभग सभी प्रमुख सड़कों पर जाम लग गए। इसके कारण वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। राजीव नगर में आए दिनों में जाम की समस्या रहती है, लेकिन शादी को लेकर बारात निकलने से स्थिति और भी खराब हो गई। बताया जा रहा है कि शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक पूरा चौराहा वाहनों से पैक हो गया था। आपको बता दें कि जाम की स्थिति ज्यादातर वैसी जगहों पर रही जहां कम्युनिटी या रिसेप्शन हॉल बना हुआ है। बारात या रिसेप्शन में शामिल होने के लिए लोगों का आवागमन होता है और वाहनों को सड़क पर खड़ा करना मजबूरी है। इसके कारण भी जाम की समस्या हो रही है। जानकारी के अनुसार शाम होते ही कंकड़बाग, ओल्ड बाईपास, न्यू बाईपास, बोरिंग रोड, एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, अशोक राजपथ, पटना दीघा रोड, पाटलिपुत्र, राजा बाजार, आशियाना रोड, आयकर गोलंबर पर जाम की स्थिति हो जा रही है और आवागमन को सही करने में पुलिस के काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि 20 नवंबर से ही चारों ओर शहनाई की गूंज सुनाई देने लगी है, लेकिन इस बार लोगों को पिछले साल के मुकाबले 40% तक अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ये सब महंगाई का असर है। इसके कारण लोग अपने मेहमानों की संख्या में कटौती कर हॉल और केटरिंग की बुकिंग कर रहे हैं। मैरिज हॉल और होटल से जुड़े लोगों की माने तो लोग 500 की जगह 300 से 400 के बीच लोगों के लिए खाने की बुकिंग कर रहे हैं। राजधानी में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 700 से अधिक होटल हैं, मैरिज हॉल है और गेस्ट हाउस है। यहाँ कर्मचारियों की एक पूरी टीम तैयार हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शादी कार्ड के कारोबार में भी काफी जान देखने को मिल रही है। कोरोना काल के कारण पिछले साल लोग 25 से 50 कार्ड ही खरीदते थे और प्रिंट करवाते थे। उस वक्त कई लोग तो केवल देवता पर चढ़ाने के लिए केवल 5 ही कार्ड खरीदते थे, लेकिन अब लोग 200 से 500 तक कार्ड खरीद रहे हैं। साथ ही महंगे कार्ड का प्रचलन एक बार फिर देखने को मिल रहा है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शादी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में बनारसी पंचांग के अनुसार इस साल दिसंबर में शादी के 9 शुभ मुहूर्त है। वहीं मिथिला पंचांग के अनुसार दिसंबर में विवाह के कुल 6 शुभ मुहूर्त है। इसके बाद अगले साल 2023 में मकर संक्रांति के बाद शादी ब्याह का सिलसिला शुरू होगा। बहरहाल राजधानी पटना में शादियों की धूम मची हुई है और यहाँ हर रोज हजारों शादियां हो रही है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।